गोपीनाथ नवल किशोर कप क्रिकेट टूर्नामेंट के प्लेयर्स ऑक्शन में टीम 11 कोस ने ज्यादा ऑलराउंडर्स पर अपना दाव लगाया है। टीम मैनेजमेंट का दावा है कि अब की बार उनकी टीम ज्यादा मजबूत है और इस तरह से वो ट्रॉफी के प्रबल दावेदार हैं। हमारे साथ टीम 11 कोस के कैप्टन चिनार गोयल हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की बीटिंग रही, आप क्या जितने प्लेयर्स को चाहते थे उनको रिटेन करने में सक्सेसफुल रहे? बिल्कुल, जैसे हमारी स्ट्रेटजी थी उसके हिसाब से जो जो प्लेयर हमें चाहिए थे वो हमें मिले। हमारी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, बिड करने का तरीका बड़ा अच्छा था और हमारी जो टीम एफर्ट था बड़ा अच्छा, सारी कैलकुलेशन हमारी कंप्यूटर्स पे हुई और हमारे पास बड़े प्रोफेशनल बिडर्स थे जो हमारे लिए बिड कर रहे थे, तो वी वर सक्सेसफुल इन गेटिंग आर टीम और आई थिंक वी हैव द बेस्ट टीम। कुडार्स दो साल से चैंपियन रही है, इस बार क्या उम्मीद है आपको कि आप बेटर परफॉर्मेंस के साथ सामने आएंगे? हर बार एक्सपेक्टेशन ही होते कि आप जीतेंगे लेकिन आप पहला नहीं। फर्स्ट ईयर फूड आर्ट का कैप्टन मैं ही था और इस साल मैं 11 कोर्स का हूँ, तो कोशिश रहेगी देखो बेस्ट टू बेस्ट करने की और बाकी टीम परफॉर्मेंस और दिन की बात होती है, किस दिन आपका फॉर्च्यून अच्छा है उस दिन आप निकाल देते हैं मैच। यूथ क्लब है, हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट की बात होती है, इस बार क्या डिफरेंट देखने को मिलेगा टूर्नामेंट? इस बार टूर्नामेंट में डिफरेंट देखने को, एक तो हमारा लेडीज़ का हमने फन मैच रखा है, वो बड़ा एक्साइटिंग होगा, उससे हमारा आउटकम बड़ा अच्छा होना चाहिए, मतलब जो ऑडियंस है ऑडियंस हमारी अच्छी होनी चाहिए और लास्ट ईयर भी हमारी 800 to 900 ऑडियंस थी, इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1000 और काफ़ी अच्छा मोटिवेशन है ये गर्ल्स टीम इंट्रोड्यूस करने का और ये नया एक हमने इंट्रोड्यूस करा है जिसकी वजह से एक अपलिफ्टमेंट मिलनी चाहिए। यूथ क्लब का सफ़र कहाँ तक पहुँचा है, आप लोगों के मेंबर्स की के भी नंबर्स बढ़े हैं, यूथ क्लब कहाँ तक पहुँचा है थोड़ा उसके बारे में बताएं? देखो इट्स बिन अ डेकेड, 10 years नाउ, वी हैव स्टार्टेड आर क्लब इन 2008 एंड वी आर इन टू 2018, तो 10 साल का जो हमारा सफ़र है, हम 9 लोगों ने स्टार्ट करा था और आज विद गॉड ग्रेस हम काफ़ी अच्छे लेवल पे, आज हमारे 400+ मेंबर्स हैं और सारे एक्टिव हैं और सारे अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं, तो उनका सपोर्ट हमें मिलता है जिसकी वजह से आज हम इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। सिंस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द टूर्नामेंट, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फेलो मेंबर्स को, टीम को? टूर्नामेंट बहुत नज़दीक है, 30 सितंबर को ये खेला जाना है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, चाहे कोई भी टीम मेंबर है चाहे कोई भी कैप्टन है, प्ले विद द राइट स्पिरिट और मेरी सबसे यही गुजारिश है एक डेकोरम मेंटेन रहे और सब एक पॉजिटिव स्पिरिट से खेलें और सब अच्छा परफॉर्म करें, जो हमारे ऑडियंस, जो बेसिकली हमारा जो मोटिव रहता है ऑडियंस को खुश करने का, कि ऑडियंस बंधी रहे और हमारे मैच को एंजॉय करे, सबसे बड़ा हमारा मोटिव यही रहता है कि हमारी ऑडियंस एंजॉय करे और एक अच्छे मैच का लुफ्त उठाए। स्पॉन्सर्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्या कोई ऐसा भी प्रेशर है कि ऑडियंस भी आने चाहिए उसमें? नहीं ऐसा नहीं है, स्पॉन्सर्स की जो हमारे सब भाई लोग हैं सब प्यार मानते हैं सब एक दूसरे को और हमारे ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स नीड आई बॉल्स, तो ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स हमेशा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नआउट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए और हम उसके लिए मेहनत भी करते हैं और कोशिश हमारी रहती है ज्यादा ज्यादा रहने की। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र के साथ अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर